नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। यहां पर एक न्यूज़ आर्टिकल है मेरे पास EWS कैटेगरी और सीट इंक्रीज होने के बारे में। अब यह जो EWS कैटेगरी आई है और इस पर जो 10% रिजर्वेशन है उसकी वजह से 7000 सीट इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न है, काफ़ी सारे डाउट है जो मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं। तो यहां पर सबसे पहले EWS का फुल फॉर्म इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसमें 10% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस साल से। तो पहला आंसर यह है कि इस साल से ही 10% रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब EWS कैटेगरी जो है उनमें कौन से स्टूडेंट आते हैं? EWS जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है जो एक नंबर ऑफ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। मेन क्राइटेरिया यह है कि आपके फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो है हर स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस कर सकती है। जो भी रूल्स और रेगुलेशन अपलोड होगा वह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, स्टूडेंट में यह कन्फ्यूज़न था कि क्या यह 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इम्प्लीमेंट होने वाला है। इसका जवाब है हाँ, 10% रिजर्वेशन मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट होने वाला है। यहाँ पर ऐसा भी जानकारी है 2019 में 10% सीट इंक्रीज की जाएगी और अगले साल यानी 2020 में 25% सीट इंक्रीज की जाएगी। तो सीट यहाँ पर काफ़ी सारे इंक्रीज़ हो रही है। 3000 सीट्स जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज़ होगी और 4000 सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज़ होगी और यह सीट 10% रिजर्वेशन की वजह से इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा जो नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं और पुराने मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पर सीट ऑलरेडी इंक्रीज़ हो रही है MC की वजह से, ये जो सीट्स जो है टोटल होकर 10,000 से भी ज़्यादा सीट इंक्रीज़ हो जाएगी इस साल। तो कट ऑफ जो है वह एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी ट्रेंड जो हो रहा था उसके वजह से कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन ये सीट्स जो है इतनी भारी मात्रा में अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो कट ऑफ जो है उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, थोड़ा सा कम हो सकता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी न्यूज़ होगा वह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। एक और चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करना है, यह जो EWS कैटेगरी है उसके लिए EWS सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा। वह रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक आया नहीं है, हर स्टेट जो है खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, वह भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।